क्या रेकी अभ्यास द्वारा हमारी सांसारिक जिम्मेदारियों को हम भूल जाते हैं, साधु सन्यासी या त्याग की भावनाओं की तरफ प्रेरित होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, प्राण शक्ति है, और हम बार बार कह रहे हैं कि हम ये एनर्जी का बैलेंस करता है, ना अधिकता करता है ना उसमें कमी करता है, और उसे बैलेंस करता है। जब हमारे स्पिरिचुअल चक्रस ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं तब हमारे त्याग की भावना आ जाती है। जो हमारी फिजिकल चक्रास है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के चक्र हैं, सोलर प्लेक्सस, नेवल चक्र और रूट चक्र, उनमें फिजिकल नीड्स ज़्यादा होती हैं, स्पिरिचुअल नीड्स हमारी अपर चक्रास में होती हैं। लेकिन रेकी इन दोनों में बैलेंस क्रिएट करती है, स्पिरिचुअल पावर्स को भी आपके अंदर डेवलप करती है, आपके अंदर साइकिक पावर्स को डेवलप करती है, साथ साथ में आपकी जो सांसारिक भावनाएं जो अतिरिक्त हैं उनको बैलेंस करती है, या कमी है तो भी उनको बैलेंस करती है। तो एक वंडरफुल थेरेपी है आपको स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल नीड्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करने का। सीखिए और इसका लाभ लीजिए। थैंक यू।